इस्तकबाल करना है। तमाम दोस्त परिवारों को बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने साथ लेकर चलने जब हमारे घर तशरीफ लाए तो हम अपना तमाम धन कर देते हैं। ये हमारे भाई, ये हमारी सकाफत है। आपने भी इसी सकाफत को आगे बढ़ाना है। जब हमारे शायरी वहाँ तशरीफ लाए, आपने अपने तालियों से, नारों से, जोश से ये साबित करना है कि हम हमें ये जो सेल्फी बना रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि साइड पे आ जाए, गार्ड के साथ काम करें। जैसे ये इशारा देंगे तो इंटर होंगे, अदरवाइज कोई वहां पर नहीं ताकि ये इशारा करने ये बताए कि आपका क्लियर है तो तब हमारे कैदी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपसे गुजारिश है कि मौलाना साहब के गाइड से आप ताउन करें, पीछे आते हैं और घोड़े घोड़े से बात घोड़े वाले आप घोड़े की फोटो इधर ले आएंगे, आप अपनी इस साइड पे ले आए। ये कबूतर वाले का पास में आ गए, ये इस साइड कबूतर वाले का पास में इस साइड पे ले आए और गेट के पास में गेट के आप जैसे वो तस्वीर लाएंगे उस वक्त आप ले आइएगा। घोड़े वाले भी गुजारिश है कि ये घोड़े वाले गेट पे आने और कबूतर वाले गेट पे आने वो उससे तामन करें, घाट से तामन करें। दीवार वाले भी जाइए, दीवार वाले हट जाए यार, मेहरबानी करें। मेरे भाई सर, मैं तो कह रहा हूँ आप रसूल कह रहे हैं, आपके सारे आपके आपके दोस्त आप कह रहे हैं, वो गार्ड कुछ कहने लगते हैं तो वो उनके लिए सुनाते हैं जी आप वहाँ से आए हैं यहाँ से आए हैं तो आप पूछ रहे हैं ड्राइंग से मेहरबान करें। छोड़ दें ताकि हमारी कैदी मौजा मुसलमान
के बाद एक और बात भी करता चलूं। मरियम नवाज साहबा के खिताब के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खिताब फरमाएंगे। आखिर तक आप तमाम दोस्तों ने वहां पर ठहरना है। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने बहावलपुर के लिए एक खास ऐलान करना है। वो ऐलान आप सबने सुनना है। उसके बाद फिर जैसा कैदीन कहेंगे वैसा आपने करना है। तमाम दोस्त ये बात बखूबी सुन लें, समझ लें। हमारे कायदीन जनाब मलिक इकबाल चन्नड़ साहब, मियां बलीगौर रहमान साहब, राणा तारिक साहब, मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ साहब का ये आप दोस्तों को पैगाम है कि ये राणा साहब अजा मौजूद दोस्त जो बुजुर्ग पंडाल में है, मेहरबानी करके हाथ में झंडे ले ले, काफला पहुंचने वाला है, ताकि बीबी को पता चले कि बावलपुर मियां नवाज शरीफ का दूसरा घर है। ये झंडे आप लहराते रहे, झंडे नीचे नहीं होने चाहिए। अब तराना लगाओ यार, कोई तराना लगाओ यार, झंडे लहराते रहे तमाम दोस्त, पता चले कि मुस्लिम लीग भावलपुर जो है वह मुस्लिम लीग नून का किला है, गढ़ है। क्या कर रहे थे झंडे तो रात बड़े दिए हमने, बड़े दिए काफ लोग झंडे रात। हेलो अब क्या है, हेलो जी जी आ जाए, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज मरियम नवाज। पाकिस्तान तुम्हारा है, ये पाकिस्तान का नारा है, गद्दारों को हरवाना है, मेमारों को जितवाना है, नवाज शरीफ को लाना है, सिर पे तब ये गेट क्लियर कर दे, मेहरबानी करें ये गेट आप छोड़ दें। दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार, म्यूजिक बंद कर दो मिनट यार, सादिक ये बंद करो, सादिक भाई ये एक मिनट बंद कर दें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप गेट छोड़ दें,
ये रोड भी क्लियर कराएं। 5 से 7 मिनट में काफिला पहुंचने वाला है, ये इमाम बागरा के नजदीक का काफिला 5 मिनट में पहुंचने वाला है। मेहरबानी करें तमाम दोस्त अहबाब, ये रोड क्लियर करें और ये गेट भी क्लियर। नहीं गाड़ी नहीं है, क्यों आ रहा है? तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज साहब का काफिला जो है वो सामने आ चुका है, ये रोड क्लियर कर दें। क्या नहीं आया? इसी तरह अपना जोश वलवला, तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ मोहतरमा मरियम नवाज जिंदाबाद। यार ये रोड क्लियर कर दे, खाली गेट नहीं खोला, सिक्योरिटी गाड़ियां मेरे ख्याल में गेट नहीं खोला, सिक्योरिटी की गाड़ी जो है बाहर पार्क होगी, ये सिक्योरिटी की गाड़ी है मेरे ख्याल में, ये बाहर होगी पार्क, ये गाड़ी सिक्योरिटी की है। यार ये गाड़ी बाहर ठहरेगी, ये मेहमान अकेला आएगा, ये सिक्योरिटी गाड़ी है। चंद लम्हों की बात है, कहना सर अब वो वक्त दूर नहीं, अब चंद लम्हों बाद ही कायदीन आपके सामने आने वाले हैं। आपका जोश जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सच्चे और पक्के सिपाही हैं। जाहिर खान गेट पे रहो, तकड़े होके सारे यार गनमैन, किसी बंदे को अंदर नहीं आने देना, कोई अंदर नहीं आएगा, गेट अभी नहीं खोलना, ये बीबी मरियम की गाड़ी नहीं है, ये कोई और मेहमान है, गेट नहीं खोलना आपने, जो भी मेहमान है ग्रामीण है उनको एक को। इसी तरह ना ना मलक तारे कराई साहब, ये कौन राणा साहब शो करें, ये गाड़ी पे कौन है जरा बंदा भी पता करें। अच्छा भेजता हूँ, पता करो कौन है हमारे कायदीन में से, अगर तो राणा सनाउला साहब, अगर कहा है मैंने, या अवैस लगारी साहब हो तब तो उनको इजाजत है आगे जाने की। ये गेट नहीं खोलना यार, और मेहमान है, इनको गेट नहीं खोलना, छोटे गेट से मेहमान आएंगे। ये गाड़ी साइड पे कर दे, जो भी है गाड़ी साइड पे कर दे भाई। मरियम औरंगजेब साहबा अगर हो, नहीं खोलना, उधर ही मेहमान उतरेंगे और उनको वाजिब तरीके से लेके आए, कोई भी मेहमान है ना, गाड़ी साइड पे कर दीजिएगा। मेहमानों को उतारने के बाद काइंडली और रिक्वेस्ट यही है, गाड़ी को यार साइड पे पार्क कराएं और मेहमान गाड़ी से उतर कर अंदर आएंगे। राणा मोहम्मद सलीम दो लोग आएंगे, निशान मलिक साहब हैं और हिना परवेज भट्ट साहब हैं, उनको यही उतार के तो अंदर लेके पंडाल में, बाकी लोग बाहर रहेंगे, गाड़ी साइड पे लगवा लें, हमारी गाड़ी साइड पे लगाएं, ये क्लियर करें, बीबी मरियम का काफिला पहुंचने वाला है। हमारी माए बहने हम इनका अदब एहतराम करें, इनको रास्ता यार, गेट नहीं खोलना यार, गेट नहीं खोलना, ओ गेट नहीं खोलना यार, ये ओ गेट नहीं खोलना यार, ओ भाई गेट नहीं खोलना, गेट नहीं खोलना यार, खान साहब गेट नहीं खोलना यार, शकील नहीं खोलना गेट यार, किसने कहा वो गेट खोलो यार, यार नहीं गेट खोलना यार, पता नहीं यार, ये गेट नहीं खोलना, चेयरमैन शकील साहब गेट नहीं खोलना, मेहरबानी करें, और नहीं नहीं यार पैदल आएंगे ये लोग, गेट नहीं खोलना यार, चल यार गेट नहीं खोलना, शेरापट्टी गेट नहीं खोलना यार, बोलो गेट तोड़ो, यहां से उतर कर मेहमान आएंगे, मेहरबानी करें, छोटे गेट से आएंगे मेहमान, छोटे गेट से आएंगे, और यार ये और मेहमान है, बीबी मरियम नहीं है, ये और गाड़ी है, क्या नाम सी, क्या नाम यार, ये किसकी गाड़ी है, ये अच्छा, तो इस गाड़ी को अंदर आने दे भाई, गाड़ी को अंदर आने दे, इसको आने दे गाड़ी को अंदर, इस गाड़ी को अंदर आने दे यार, आने जाने दे गाड़ी को, आने आएगी गाड़ी अंदर आएगी यार, यूं तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी अगर एक अंदर गई तो बाकी भी जाएंगे,
मलिक जहीर साहब आवाम चढ़ी हुई है, ये पूरी आवाम अंदर आ जाएगी, वो गाड़ी वही रुकवा दे फिर, मेहमान ने ग्रामी को लेके आए छोटे गेट से। आप लोग बड़ा गेट बंद रखे, मेहमान छोटे गेट से अंदर आएंगे। यार मेहमान ने ग्रामी को इज्जत एहतराम से छोटे गेट से लेके आए, ये कौन गेट क्रॉस कर रहा है बंदा यार? अच्छा बस ठीक है, मेहरबानी करें छोटे गेट से मेहमानों को लेके आए, ये बड़ा गेट नहीं खुला, और कारकुनों को वहां रोके मेहरबानी करें। और भाई जान मेहरबानी करें यार, लड़े ना किसी से, जुगनू भाई मेहरबानी, आराम से चले यार, रोड क्लियर करें आप, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी जुगनू भाई, गाड़ी वहीं ठहरेगी गेट के बाहर, और मेहमान अंदर आएंगे। यार मेहमानों को लेके आए यार, रोड ब्लॉक ना कराओ। सबसे लगा रही साहब भाई जान, ये गाड़ी तो कराए, मैं बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी। ये गाड़ी बैक हो रही है, पीछे से रास्ता दे दें ताकि ये गाड़ी गाड़ी बैक हो रही है, इसको रास्ता दें वापसी जाने के लिए, और ये गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पर नहीं ठहरेगी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, इसके ठहरने से रास्ता ब्लॉक होगा और हमारे जो मेन कायदीन हैं उनके लिए परेशानी का सबब होगा। आपकी इस गाड़ी के आने से माइंड ना कीजिएगा, हमारे कायदीन हैं आप भी, आपके इसके आने से। भाई गेट नहीं खुलना यार, मेहरबानी करो, कौन गेट खुला रहा है यार, गेट नहीं खुलना यार, ओए लड़ो मत यार, ओ भाई लड़ाई नहीं करनी, गेट यार छोटा गेट से मेहमान आएंगे, बड़ा गेट नहीं खुलेगा, बड़ा गेट नहीं खुलना, छोटे गेट से मेहमान अंदर आएंगे, उतारे मेहमानों को इज्जत आराम से। आप हमारे भाई बड़ा गेट नहीं खुलना, मेहरबानी करें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं भाई जान, मेहरबानी करें, आपकी इज्जत हमारे लिए, गेट नहीं खुलना छोटे, आपकी इज्जत हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप भी हमारे साथ तावन करें। सफदर भाई ये मेहरबानी करें, गाड़ी पीछे करवाएं और मेहमानों को अंदर लेके आए। सफदर लगारी साहब, आप सफदर भाई आपसे रिक्वेस्ट है, गाड़ी साइड पे करवा के मेहमानों को अंदर लेके आए आप। चले मेहरबानी, आपकी गाड़ी वापस जा रही है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि गाड़ी को वापस के भी कायदीन है, आप क्या चाहेंगे कि आपके इस वजह से हमारे कायदीन के रास्ते में कोई परेशानी सबब हो, तो मेहरबानी कीजिएगा, आपसे मौदबाना हम्बल सी रिक्वेस्ट यही है कि ये गाड़ी आप वापस। खान साहब किसी से बदतमीजी नहीं करनी भाई जान, सबसे इज्जत एहतराम से पेश आना है, आराम से बात करनी है, मेहरबानी करें सबको प्यार से मोहब्बत से कहें, गेट क्लियर करें, काफिला पहुंचने वाला है, रोड भी क्लियर कर दें जरा, ये आपके इस वजह से हम मिन्नत कर रहे हैं आपकी भाई जान, तमाम दोस्तों से बुजुर्गों से ये मिन्नत है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि गेट खाली कर दें, रोड भी खाली कर दें, मेहरबानी करें यार, काफिला पहुंचने वाला है 5 से 7 मिनट में। ये यार जो बैरियर के पास ठहरे हुए हैं, जहांगीर खान किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को हाथ नहीं लगाना आपने, जो बैरियर के पास ठहरे हैं उनसे पहले भी कहा है कि किसी भी गाड़ी को अंदर आने ना दे जब तक भाई ये गाड़ी पीछे करवाए, गाड़ी पीछे बैक करवाए भाई, जब तक मलिक मुनीर इकबाल चन्नर साहब ना कहें, जो भी मेहमान है काबिल एहतराम है वहां से पैदल आए, हम उनको जुलूस की शक्ल में यहाँ पर लेकर आएंगे और गाड़ियां बैरियर के दूसरी तरफ खड़ी करेंगे। गाड़ी यार ये पीछे पीछे जाए पंडाल में बैक करवा के, श्री बीबी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोई गाड़ी अब आगे आने ना दे, सिर्फ बीबी मरियम और मौलाना फजल रहमान गाड़ी श्री बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यूसुफ जा गिलानी साहब की गाड़ी यहाँ पे आएगी, बाकी जो कोई भी एमएनए एमपीए या कोई मेहमान आने ग्रामीण गाड़ी पीछे उनकी पार्क होगी वो चल पैदल चल के यहाँ पे आएंगे जी। निशान एहतशाम भाई, एहतशाम भाई ये मेहमानों को ऊपर लेके आए आप, गेट मेहरबानी करके गेट छोड़ दें यार भाई, मेहरबानी करें गेट खाली छोड़ दें, रोड क्लियर करें, मोहतरमा का काफिला पहुंचने वाला है, ये गेट भी क्लियर कराएं और रोड भी क्लियर कराएं। फरगाम फरी साहब हमारे भाई हैं, उनकी काविशें हैं कि किसी तरह ये गेट क्लियर हो सके, उनके साथ फरी भाई के साथ तावन करें, फरी भाई जान मेहरबानी करें, काका जी फिजान शाह यार ये जरा मेहरबानी करें, रोड भी क्लियर कराएं और ये गेट भी क्लियर कराएं, एहतशाम काका जी ऊपर किसी ने नहीं आना भाई जान, नहीं नहीं
वे मेहरबानी करे गेट खाली छोड़ दे। मैं ये मौलाना साहब वाले की जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो गेट के आगे खुद ठहर जाएं और किसी को भी गेट के अंदर ना जाने दीजिएगा जब तक ऊपर से मलिक मुनीर इकबाल चन्नर साहब या कोई दिगर कायद आपको ना कहे। मेहरबानी कीजिएगा। बाकी फरी भाई इन गार्ड्स को जो है मोहतरम दोस्तों एमएनएस एमपीएस ठहरे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पीछे पंडाल बना हुआ है वहाँ जाके बैठ जाएं, इसको थोड़ा सा खाली करना है, सिक्योरिटी वालों ने चेक करना है आके स्वीपिंग करनी है इसकी इस पंडाल की। ये गार्ड के साथ तावन करें भाई जो भी हमारे दोस्त अहबाब ठहरे हैं। गेट क्लियर कराया बस ये काफिला ये इंटर होने वाला है नीचे रोड से नीचे इंटर होने वाला है काफिला। दो मेरे हक की ना तजलील करो वोट को बेवकार नहीं होने देंगे हम वोट की खुद भी इज्जत करेंगे और दूसरों से भी इज्जत करवाएंगे। आने वाले हैं कोई भी वापस नहीं जाएगा। अब मंजिल हमसे दूर नहीं बबर जाएंगे कदम सदा हम वो मंजर भी देखेंगे जब नारा अदल का गूंजा और राज करेगी कल के खुदा। तुम मेरे वोट को इज्जत दो अब मेरे वोट को इज्जत दो वोट को इज्जत दो वोट को इज्जत दो। जनाब मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर साहब मियां बलीगौर रहमान साहब राणा तारिक साहब मलिक जहीर इकबाल चन्नर साहब मलिक मुनीर इकबाल चन्नर साहब फैजा हमीद साहबा और राणा साजिद इकबाल नारे लगाने चाहिए और हमारी कायद का काफिला चन्नर हाउस के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और आपने वालेहाना इस्तकबाल करना है। हमने ये साबित करना है कि बहावलपुर मियां नवाज शरीफ का दूसरा घर है। राणा साहब एक नारा लगवाना है पंडाल से आवाज आए तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज मरियम नवाज वोट दो इज्जत दो वोट को वोट को यार पंडाल से जवाब आना चाहिए वोट को वोट को वोट को निकलने दो। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग को खत्म किया बड़े काफले के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चाइना पाकिस्तान मियां बलीगौर रहमान साहब आपसे दोस्तों भाइयों इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। मैं अपने सामने गाड़ियां देख रहा हूं जो हमारी लीडर की बेटी जो इस वक्त जुर्रत के साथ हौसले के साथ कयादत कर रही हैं वो आपके दरमियान आ चुकी हैं। अभी जैसे ही थोड़ा सा और आगे आ रही है गाड़ी आप भरपूर इस्तकबाल कीजिए और भरपूर तरीके से झंडे लहरा कर इस्तकबाल कीजिए लेकिन ये रास्ता छोड़ दें रास्ते को में जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं जरा रास्ते को बनवाएं ताकि गाड़ी जल्दी आ सके और हम अपना काफला और अपना ये कारवां लेकर अपनी मंजिल चौक सराइकी तक जल्दी जा सके। बहुत शुक्रिया बलीग भाई हमारे कायद भी हैं बता रहे हैं कि वो गाड़ियां जो मरियम नवाज साहबा गेट खाली कर दे काफला की आदत में हमारी कायद की बेटी पहुंच चुकी है चन्नर हाउस करें ये गेट छोड़ दे वो सारे नारे का जवाब देना आप सबने तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज मरियम नवाज। फैसला करना है जिन्होंने खिदमत की
और किन्होंने कौम का वक्त जाया किया। लड़ाई नहीं करनी, गेट क्लियर करवा दें आप। अल्लाह ताला की जात से किसी से नहीं डरता। गेट क्लियर करवा दें भाई जान, गेट क्लियर करवा दें। जो ये गाड़ी लेफ्ट कर दे, गाड़ी लेफ्ट कर दे सिक्योरिटी वाली। वोट को, वोट को, अच्छा वोट को। गेट क्या ना गुलजार, वो जड़ा मेरी आवाज, मेरी आवाज। यार ये इधर ही उतरेगी, ये मेहमान मरियम औरंगजेब साहब हैं, तो इनको छोटे गेट से लेके आए इत्राम के साथ। हमारे कायदीन के आमद शुरू है। नाना साहब नारे लगाएं, मरियम कायदे मुतलमे गाड़ी आ चुकी है, ये आवाज बंद होगी नारे लगाएं। नाना साहब नारे लगाएं जरा, भैया ये आवाज बंद होगी तो लगाएंगे ना, नारे लगाएं नाना साहब। अब आपको ये बताता चलो कि हमारे कायदीन की गाड़ियां चन्नर हाउस में दाखिल हो चुकी हैं। आपके नारे उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं नारा लगवाता हूं, आपने जवाब देना है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तेरी आवाज, मेरी आवाज। भाई जान रोड क्लियर करें, हमारे कायदे मुतरमे गाड़ी पहुंचने वाली है, काबला पहुंच गया है। यार ये गाड़ी पीछे बैक करें और साइड पे लगवाएं, मेहमानों को अंदर आने दें और गाड़ी साइड पे कराएं, इसको रोड क्लियर कराओ। इंतजामिया के लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, रोड क्लियर कराएं और गेट को क्लियर करें। गाड़ी है, मेहरबानी करें ये गाड़ी साइड पे करवाएं, क्योंकि गेट वाली है ये गाड़ी, अंदर नहीं आएगी। इसको लेफ्ट पे कराएं, लेफ्ट पे कराओ जहांगीर खान, लेफ्ट पे लेके आओ गाड़ी पीछे। जहांगीर खान ये गाड़ी लेफ्ट पे बात कराओ यार। यार रोड क्लियर करेंगे तो गाड़ी आगे आएगी यार। ये चौधरी जबान से गुजारिश है कि गाड़ी साइड पे कर ले ताकि कायदे मुतरमे गाड़ी आए। अपने अपने दोस्तों से गुजारिश है कि वो हिफाजत करनी है, बयान गाड़ियां साइड पे कर दें ताकि हमारी कायद की गाड़ी आ सके। जो उनसे आगे गाड़ियां हैं वो साइड पे कर दें, मेहरबानी करें। जो साहब भी हैं वो साइड पे हो जाए ताकि हमारी कायदे मुतरमे गाड़ी आ सके। जिन जिन की गाड़ियां हैं वो साइड पे करें गाड़ियां सारी अपनी, ताकि गाड़ी बासानी। यार ये वाली है यार, गाड़ी क्लियर कराएं यार, रूट क्लियर कराओ, मेहरबानी करें यार। यार जितनी गाड़ियां हैं सारी साइड पे करें ताकि कायदे मुतरमे गाड़ी आ सके। ये रोड ब्लॉक ना करें, गाड़ियां लेफ्ट कर लो यार, गाड़ियां लेफ्ट कर लो यहां से। जितनी गाड़ियां आ रही हैं सारी लेफ्ट हैंड में ले लें आप। चौधरी साद मसूद साहब अपने दोस्तों के हमरा तशरीफ लाए, हम फजल रहमान साहब की भी, अमोल साहब फजल रहमान साहब की भी। यही गाड़ी
साथ भाई गाड़ी थोड़ी सी साइड पे कर लें, माइंड भी ना कीजिएगा, आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं यार। ये लेफ्ट पे कर ले गाड़ियां ताकि हमारी कायदे मोहतरमे गाड़ी बासानी गेट के अंदर आ सके। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। ये गाड़ी लेफ्ट पे कर लें, ये जो व्हाइट प्राउड ये रेड शर्ट वाले भाई जो बैठे हैं, ये गाड़ी लेफ्ट पे करें अपनी जरा। ये कौन है? नहीं नहीं हो गई हो गई, उन्हीं गई उन्हीं, ये व्हाइट गाड़ी। हाँ तो कोई गाल नहीं यार, ये जो व्हाइट प्राउड किसकी है? इसकी तो नहीं है बीबी, नहीं ये व्हाइट प्राउड हो यार, लेफ्ट पे कर लो यार। सर क्या ना मुझे नहीं आते थे लेफ्ट पर, ये जो है ना व्हाइट प्राउड लेफ्ट करके मेहमानों को छोटे गेट से अंदर लेके आए। गाड़ियां दो आएंगी, एक एक बीबी की और एक उनकी सिक्योरिटी जो है गार्ड साहब का। गवर्नर सिंह जुबैर साहब तशरीफ लाए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। बीबी के काफले में एक गाड़ी अंदर आई तो आम सारी आ जाएगी। औरंगजेब साहब से और मोहम्मद जुबैर साहब से गुजारिश है कि वो गाड़ी से नीचे उतर कर पंडाल में आए, आपको हमारे जो है ना मेजबान रिसीव करते हैं आके। मेहरबानी करें नीचे उतरें गाड़ी से और गाड़ी लेफ्ट पे पार्क करें ताकि कायदे मुतरमा गाड़ी आगे आगे आ सके पंडाल के अंदर। सबका गवर्नर जुबैर साहब मुतरमा मरियम औरंगजेब साहब की गाड़ी लेफ्ट पे पार्क होगी, गाड़ी अंदर गेट से बाहर, गाड़ी अंदर नहीं जानी। ये उतर के आए, उतर के मेहरबानी करके उतर के आए अपना। एक मिनट यार, ये गाड़ी लेफ्ट पे पार्क होगी। गवर्नर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जुबैर साहब, जुबैर साहब आप उतर के आ जाएं, मेहरबानी करें। ये मेहमानों से गुजारिश है कि गाड़ी से उतर जाएं और गेट छोटे गेट से अंदर आए, अगर गेट खोल के खोल दिया गया तो ये मजमा सारा अंदर आ जाएगा। आप हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल फखर हैं, हमारे कायद के सिपाही हैं। गवर्नर साहब आपसे गुजारिश है कि वो गाड़ी, क्योंकि आप गाड़ी, ये गाड़ियां जो है लेफ्ट पे पार्क करें, गेट खुलेगा तो गेट खुलने के साथ आवाम भी सारी अंदर जाएगी। हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे कायद हैं जुबैर साहब, गवर्नर साहब आपको इज्जत और एहतराम और शान के साथ हमारे दोस्त अहबाब। यार राणा साहब नारा लगाया पूरे पंडाल से, पर क्या ना पंडाल के अंदर, चलो साइड पे कर ले ताकि मरियम साहब। एक मिनट यार, एक यही गाड़ी को आने दो, आने दे भक्त यार, ये दरख्त के ऊपर, एक यही गाड़ी आने दो व्हाइट वाली, बाकी गाड़ियां लेफ्ट पे पार्क करो सारे। यार दरख्त के ऊपर ना चढ़ें, दरख्त टूट जाएगा मेरे छोटे भाइयों, दरख्त के ऊपर ना चढ़ें यार। लोगों को रोको यहाँ पे, लोगों को रोको यार, मेहरबानी करें लोग अंदर आ जाएंगे यार, मेहरबानी करें गाड़ी पार पार करें, आप उतर के आ जाएं, मुझे जुमान उतर के आ जाएं, चलो आ जाएं आ जाएं, आने दे आने दे आने दे, गेट यार आने दे, आने दो ये गाड़ी, ये गेट गाड़ी आने दो, सिक्योरिटी वाले लेफ्ट पे कर ले गाड़ी अपनी, सिक्योरिटी वाले एक गुजर पे, सिक्योरिटी वाले जो है ना लेफ्ट पे करे गाड़ी गुजरा, सिक्योरिटी वाले लेफ्ट पे करें कायदे मुतरमा की गाड़ी ताकि आ सके। गेट खोल दे यार, गेट खोल दो, और सिक्योरिटी वालों से गुजारिश है गेट खोल दे यार, गेट खोलो यार, गेट खोल दो यार, जुगनू गेट खोल दो, खोल दो गेट यार, ये गाड़ी आ जाए फिर बंद कर देना। अवाम को रोक रहे हैं, हमने अवाम को रोक के, अवाम को रोके रखे, अवाम को रोके रखे, एक साइड रो, एक साइड रो खोल के आने दे, अवाम को रोके रखे यार, अवाम को रोके रखे यार, रोको लोगों को, लगारी साहब ये दवा बंद रखे, दवा बंद, ओ यार रोको सबको यार, अगले अगले यार, ये छोटा गेट बंद कर दो यार, कोई ना आए, इजाज़त रख साहब पीछे हो, पीछे पीछे कोई नहीं आएगा, किसे नहीं आना अंदर, मेहरबानी करें ऊपर कोई नहीं आएगा यार, मरियम बीबी की गाड़ी को रास्ता दो यार, मरियम बीबी की गाड़ी को रास्ता दें आप सब, यार गाड़ी साइड पे खड़ी करें ये वाली, शकूर साहब गाड़ी साइड पे लगवाएं यार, बंदे बाहर भेजो सारे, बंदे सार बाहर, सारे बंदे बाहर भेजो यार, यार सारे बाहर जाएं, सारे बाहर जाएं, जो गैर मुतलका हसनैन साहब जरा साइड पे हो जाए, क्लियर करें जरा, मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया।
वोट दो, तेरी आवाज मेरी आवाज। झंडे लहरा दीजिए, झंडे लहराए, दुख तेरे पाकिस्तान, उम्मीद शहर, आपकी कायदे मोहतरमा मरियम नवाज साहब तशरीफ ला चुकी है। झंडे लहराए और उनका इस्तकबाल कीजिए। तेरी आवाज मेरी आवाज। आवाज नहीं आई, पता चले चचा उससे, चचा उससे पता चले। चन्नड़ा उससे पता चले लंदन तक कायदे मोहतरम को के मोहतरम इकबाल चन्नड़ साहब ने जो समुंदर इकट्ठा किया था उसकी आवाजें वहां तक सुनाई दे। तेरी आवाज मेरी आवाज। झंडे लहरा कर जवाब दे, दुख तेरे पाकिस्तान, उम्मीद शहर आपको देख रही है। तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज। तेरी पुकार मेरी पुकार। मरियम नवाज, मरियम नवाज। ये मोहतरमा की गाड़ी आने दे, सिक्योरिटी वालों से रिक्वेस्ट है कि रोड थोड़ा क्लियर करें। नारे का जवाब देना आप दोस्तों ने, झंडे लहराकर मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, तेरी आवाज मेरी आवाज। डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हम लेकर आए। जिस वक्त से निकले मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से, उस वक्त को ना फिर दावत दो, दावत दो, दावत दो, तादीम करो, तकरीम करो, कायदे पीडीएम तजलील करो, कायदे। ये सॉन्ग बंद करें भाई। कायदे पीडीएम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब चन्नड़ हाउस तशरीफ ला चुके हैं। झंडे लहराकर पीडीएम के तमाम कारकुनों का इस्तकबाल करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब को चन्नड़ हाउस में खुशामदीद कहते हैं। जुगनू भाई ये रूट देर का ले जरा, जुगनू भाई ये तरफ देख रहे हैं, मेहरबानी करें उनके इस्तकबाल के लिए नीचे ही आ जाएं। कायदीन उनके इस्तकबाल के लिए नीचे ही आ जाएं और ऊपर ऊपर अभी फिलहाल खाली कर दे, क्योंकि हमने अपने कायदे सिक्योरिटी वाले गुजारिश है जिन सबको क्लियर करें, जो नीचे ठहरे ना इनको बाहर भेजें पंडाल से बाहर, अभी नहीं दो मिनट। ये पंडाल में जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे गुजारिश है, ये नौजवान इनको बाहर भेजें, जरा पंडाल से बाहर भेजें यार, सबको इन नौजवानों को बाहर भेजें भाई, मेहरबानी करें। चौधरी साहब सिक्योरिटी वालों से कहें कि ये सारा बाहर भेजें, मजमा गेट खोल दे, कायदे मोहतरम की मोहतरमा की गाड़ी पहुंच गया, गेट खोल दो यार, गेट खोल दो और किसी गैर मुतल्लिका को अंदर नहीं आने देना आपने। खवातीन का एहतमाम है सिर्फ, गैर मुतल्लिका अफराद अंदर नहीं जाएंगे। एक गुब्बारे वाला और ना दूसरा कबूतर वाला थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। रनार्शे साहब तेरी आवाज मेरी आवाज। हम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को चन्नड़ हाउस आमद पर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज साहबा जिंदाबाद, मरियम नवाज साहबा जिंदाबाद, मरियम नवाज साहबा जिंदाबाद, मरियम नवाज साहबा। जब तक आवाम आवाम बाहर नहीं जाएगी, मोहतरमा गाड़ी से बाहर नहीं आएगी, सिक्योरिटी रिस्क है यार, सारे बाहर हो जाओ। सिक्योरिटी वालों से गुजारिश है तो सबको बाहर भेजे, सबको बाहर भेजो यार। परिंदे आजाद किए जा रहे हैं जनाब, ये रास्ता खाली करो, क्लियर करो, मेहरबानी करें, रास्ता क्लियर करें। मरियम नवाज साहबा यार, गेट में मौलाना फजलुर रहमान साहब, राणा सनाउल्लाह साहब, मौलवी फजलुर रहमान की गाड़ी आएगी मौलाना साहब की, मरियम औरंगजेब साहबा, मोहम्मद जुबैर साहब, सबका गवर्नर सिंध राणा मोहम्मद अरशद साहब, यार मीना परवेज भट्ट साहबा, क्लियर कराएं, मैजा हमीद साहबा,
रास्ता क्लियर करवाएं सारे तशरीफ ला चुके हैं मेहरबानी करें यार हमारे मुकायदीन सारे क्लियर हो जाएं राणा सलाम का कहना माने और पीछे हो जाए सारे मलिक बाल चन्नर साहब मलिक जहीर चन्नर जिधर भी है वो ऊपर आ जाए साहब जहीर की साहब मलिक जहीर इकबाल चन्नर साहब उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं यार ये रिक्वेस्ट है सबसे के पीछे हो जाओ यार सारे ओ भाई मेहरबानी करो यार नारा जवाब दो नारे का जवाब दो तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज वोट को इज्जत दो 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 जो जहीर चन्नर जिधर भी है ऊपर आ जाए अपने मलिक जहीर जिधर भी आ चुके हैं मखसूस अंदाज में उनके मियां नवाज शरीफ वोट को वोट को इज्जत दो वोट को इज्जत दो वोट को वोट को मियां नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं मियां नवाज शरीफ के शेरों एक नारा लगाओ मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया यार ये मेहरबानी करें सारे दोस्त पीछे हट जाए किसी ने इधर नहीं आना पहचान यार मेहरबानी करें ये मौलाना साहब की सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्तों को इज्जत पीछा करें थोड़ा पीछे करें थोड़ा सा बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया मुबीन बरन साहब आपका भी शुक्रिया खालिद बारन साहब मेहरबानी करें यार सारा रास्ता क्लियर करें रास्ता क्लियर करें लाए हैं हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं रास्ता क्लियर करें यार हमारे कारवां चंद लम्हों बाद चौक सराकी की तरफ रवां दवां होगा अपने कायदीन की अपने कायदीन की क्यादत में इस फस्ताई शादू भाई आप किधर हैं शादू भाई और सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ अपने कायदीन के साथ शादू भाई आप किधर हैं चौक सराकी जाएंगे भाई यहाँ से सब लोगों ने अपनी कायदे मुतरमा के साथ हमने पैदल जाना है सराकी चौक तक उनके साथ कदम ब कदम मिलाते हुए चलेंगे हमारे कायदीन यार ये रास्ता क्लियर करो यार चंद लम्हों बाद आपके सामने यार ये रूट क्लियर करें मलिक चंद साहब पीछे हो जाए यार सारे दोस्त पीछे हो जाए यार पीछे हो जाओ सारे मेहरबानी करें सारे पीछे हो जाए रास्ता क्लियर दे मेहमानों के लिए रूट क्लियर दे यार सारे चंद लम्हों बाद कायदीन आपके सामने टेरेस पर मौजूद होंगे आपके सामने आपके नारों का जवाब देंगे आपको यार ये रास्ता क्लियर कर दें मेहरबानी करें ये रास्ता क्लियर दें ताकि मेहमान ने ग्रामीण आराम से जा सके मेहरबानी करो यार सारे सारे दोस्त मेहरबानी करो यार यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाए सामने आ जाओ सारे यार थोड़ा पीछे जवेद भाई सबको पीछे करें थोड़ा आप भी करना आप मेजबान है यार ये सबको पीछे करें आप जरा ये मौलाना साहब की सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट है कि सबको पीछे करें
भोसलों की तरह आपकी कायद मरियम नवाज साहबा यार ये और मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हों बाद ही ये काफला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएगा। आप तमाम दोस्त व खवातीन इस जुलूस इस रैली के साथ और जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब यार ये रूट यहाँ पर आने पर खुश आमदीद कहते हैं, हमारे कायदीन हैं, इनके लिए रास्ता बनाया जाए ताकि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सके। यूसुफ रजा गिलानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके लिए गेट पे रास्ता बनाए। यार किसी का पर्स गिर है इधर पे, किसी को भी मिला हो वो मेहरबानी या तो इधर स्टेज पे पहुंचा दे और या फिर उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह पहुंचा दे, यहीं कहीं फेंक दे। यार ये जो मौलाना साहब की सिक्योरिटी है ना ये रास्ता बनाए, हम मौलाना फजल रहमान को चन्नाडा हाउस आमदवार खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं उन्हें हम मौलाना साहब को। यार ये रास्ता छोड़ दो, सारे दोस्त रास्ता छोड़ दें, मेहरबानी करें यार, और बालकोनी भी खाली कराएं जहां ठहरे हैं, ये रास्ता छोड़ दें, मेहरबानी करें। हमारे कैदीन आ रहे हैं, मेहरबानी कीजिएगा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब और मखदूम अहमद मूसा तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी मेहरबानी उनके लिए, गेट पे रास्ता दे दें उनको आने के अंदर, मेहरबानी करें। इधर एक दोस्त का मोबाइल गिर गया है, अगर किसी को मिले तो वो अयूब आलम साहब से राब्ता करें। हमसे राब्ता करें। यूसुफ गिलानी साहब आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ दें यार। साधु भाई आप किधर हैं? किधर हो? सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है, इस देश की खुशहाली के लिए। कैप्टन सफदर साहब के लिए रास्ता बना यार, हम कैप्टन सफदर को भी चन्नाडा हाउस आमदवार खुश आमदीद कहते हैं। कैप्टन सफदर साहब को रास्ता दो यार, सिक्योरिटी वाले रास्ता दो यार, कैप्टन सफदर साहब को, कैप्टन सफदर साहब को रास्ता दो। साधु भैया मुश्किल है, अब यही ठहरे, अब पहले आ जाना था, कहा था मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, आप वेट करें साधु भाई। यार रूट क्लियर करें और मेहमान ने ग्रामीण भी पहुंचने वाले हैं, किसी ने ऐसे नहीं जाना, सब कैदीन के साथ मिलकर यहां से रवाना होंगे, अकेले अकेले किसी ने सराकी चौक नहीं पहुंचना, हम अपने कैदीन के साथ रैली की शक्ल में यहां से रवाना होंगे। बस चंद लम्हे बाद ही हमारे कैदीन यहां से रवाना होंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने जज्बे हौसले इसी तरह बुलंद रखिएगा। यार ये जरा हट जाए भाईजान,
फ्रीज साहब दोस्तों को पीछा करा दे रहे, पीछा करें, पीछे करें, पीछे करें। सर हम यूसुफ जा गिलानी को चंदन हाउस आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। यार ये रूट क्लियर कर दें ताकि गिलानी साहब आ जाएं। सैयद यूसुफ जा गिलानी साहब को रास्ता दें। हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। बावल नगर से आए दोस्तों का, चिश्तियों से आए दोस्तों का तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मिंचनाबाद से, अकलियत से, जहां जहां से दोस्त आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहां आए उन्होंने रौनक बख्शी। तेरी आवाज मेरी आवाज, मेरी अहमदाबाद मेरी अहमदाबाद, तेरी आवाज मेरी आवाज, मेरी अहमदाबाद मेरी अहमदाबाद, तेरी आवाज मेरी आवाज, मेरी अहमदाबाद मेरी अहमदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। हाथ ऊपर करके हेलो, झंडे लहराए दुख तरे पाकिस्तान, उम्मीद शहर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल कीजिए। तेरी पुकार मेरी पुकार, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी पुकार मेरी पुकार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की। ये अभी ऊंट की कुर्बानी होगी। हम राणा सनावला साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं जो हमारी कायद के साथ तशरीफ लाए हैं, पंजाब के सदर हैं। मेरी आवाज मेरी आवाज, कौम की बेटी, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, नवाज मरियम। तेरी देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज मरियम नवाज। नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, मोहम्मद यूं आलिही व सहाबी आमीन सुम आमीन। अब मैं दुख्तरे पाकिस्तान, फखरे पाकिस्तान, जनाब कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दुख्तर, हमारी कायद मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इन कारकुनों से ख्यालात का इजहार करें। राणा सनाउल्लाह साहब, उनसे कबल हमारे पंजाब के सदर जी राणा सनाउल्लाह साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। बहावलपुर के बहादुर शहरियों, आपने आज अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करके
और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो के इस बात का फैसला दे दिया है कि ये कठपुतली जाली हुकूमत जो है ये अब नहीं रह सकती। आप इस न्याजी को जाना होगा। गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो। अब कायदीन की मरियम नवाज शरीफ साहबा और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए यूसुफ रजा गिलानी साहब और पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है आप इस गाड़ी में जो है वो रैली की क्यादत करेंगे। आप तमाम अफराद ने आप में सब ने साथ चलना है। यहां से रैली के रूट के मुताबिक हम सरायकी चौक पहुंचेंगे और वहां पे कायदीन आपसे खिताब करेंगे। वहां पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खिताब होगा। तो अब ये गाड़ियां जो आगे लगी हैं ये गाड़ियां आप पीछे हटाएं और ये अब जो ये गाड़ी है ये राणा साहब राणा सनाउल्ला साहब आपसे खिताब कर रहे थे। अब आपके सामने दुख्तरे पाकिस्तान फखरे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दुख्तर मरियम नवाज साहबा आपका शुक्रिया अदा करेंगी आपकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर दे भेणो ते भराओ अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी बड़ी तादाद में अपनी बेटी और बहन का इस्तकबाल करने आए हो और हम चन्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने इनको कहा चन्नर साहब को मैंने कहा कि आप मियां साहब के साथी हो, मुझे आपको देख के मियां साहब की याद आ गई है। तो अब क्योंकि हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं और दीगर मेहमान भी हैं तो मैं आप सबको ये कहती हूँ कि अभी जुलूस में अपनी बहन और बेटी के साथ चलोगे ना, अब साथ साथ चलेंगे ना, इंशाल्लाह मेरे साथ साथ चलो। उधर आखिर में जाकर सरायकी चौक तक अपनी बेटी और बहन मरियम के साथ चलो ताकि बहावलपुर भी इस जाली और नालायक हुकूमत के खात्मे का फैसला सुना दे इंशाल्लाह। जिंदाबाद बहावलपुर जिंदाबाद। इकबाल चन्नर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे ये इंतज़ाम किया और आपको मौका मिला कि आप अपनी लीडर का जो है वो यहाँ पे बेमिसाल इस्तकबाल कर सके। अब आपसे ये गुजारिश है कि अब आपने रास्ता बनाना है। ये गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी हैं इन गाड़ियों को आप एक तरफ करें ताकि इस कंटेनर का ट्रक का जो है वो रास्ता बने और कायदीन को हम फिर रैली के रूट के ऊपर लेके चलें। और आप तमाम दोस्तों ने इस ट्रक के साथ अपने कायदीन के साथ अपनी लीडर के साथ जो है वो आपने सरायकी चौक तक जो है वो पैदल मार्च करना है। और ये आपका जो मार्च है ये इस जाली हुकूमत के खात्मे की तरफ मार्च होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ये अब आप रास्ता बनाएं और ये गाड़ियां हटाएं आगे से। जैसे कि कैदीन कह रहे हैं इनके अहकामात पर अमल करते हुए मैं और अपने कैदीन की हिफाजत से कहता हूं कि उनके लिए रास्ता बनाया जाए ताकि कैदीन का ये कारवां मियां बलीगर रहमान साहब मलिक बाल चन्नर साहब राणा तारिक साहब जो कि सिटी से हमारे टिकट होल्डर हैं
बड़े देर इकबाल चंदर साहब मौजूद हैं। तमाम दोस्तों के काल छोड़ने की वजह से आज ये कारवां रवां और दवा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कंटेनर के लिए साथ
Thank you.
अपने कायदीन के साथ पैदल चलना शुरू कर दें, उनके साथ आगे आगे चले, जो कायदीन को आगे करें उसके पीछे अपने गाड़ियों मोटरसाइकिल और पैदल रवा रवा हो चले। हमारे कायदीन हमें साहब राणा तारिक साहब, मजदूर राणा सुनाउल्ला साहब गाड़े करते हुए मजदूर हैं। हमें बाबला जब अजमो यकीन से निकलेगा, काफला जब अजमो यकीन से निकलेगा, मुझे यकीन है रस्ता तो यहीं से निकलेगा। जब सारे लोग अपने लड़के नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे तो साथ साथ चले साथ गाड़ी में साथ लगा दें। ये जो ओंठ के पास कार्य हैं इनसे भी गुजारिश है के लिए दोस्त अभी ध्यान नहीं रखना, और राणा शहजाद साहब भी इस कारवां के साथ हैं। राणा शहजाद साहब सरायकी चौक। इस चाचे का ऊंट था, इस चाचे से पूछते हैं, चाचा बताइएगा थोड़ा सा ऊंट के बारे में। जी ऊंट ऊंट हाँ कितना सी ऊंट वो ऊंट से 40 साल का है। 40 साल कौन ले गया सी? ओ मम्मनवाल ले गया। तो तुसी की करदे हो सीधी रखवाली का सही कोई कलो का कलो सजा है तक छोड़ बात करनी है। अच्छा आहो ते किन्ने दिन हो गए ताडे कोल ऊंट नु? मैं को आज दूसरी तरीके थे। अच्छा आहो चलो जी सर बताइएगा ऊंट कितने मान का था? ऊंट कम से कम भी 12 से 13 मन का ऊंट का था। तो एक ऊंट को ज़िबा करने में मसला कितना आता? एक ऊंट को कोई मसला नहीं होता ज़िबा करने में, कोई परेशानी नहीं होती अगर जो काम करने वाला हो तो। ऊंट तंग भी तो बहुत करते हैं ना। ऊंट तंग यूँ करता है कि अगर अब हवाम ज्यादा हो मजमा ज्यादा हो तो उसी वजह से परेशानी पेश आती है। तो एक ऊंट का गोश्त कितनी देर में बना लेते हैं? हम एक ऊंट का गोश्त पूरे तकसीम बनाने के लिए कम से कम भी 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे का हमारा काम होता है। अभी आप 2 घंटे में कर देंगे? ये इंशाल्लाह हम 2 घंटे से पहले इसको फाइनल करके गरीबों में तकसीम कर देंगे। बताइएगा भाई आपको कितनी देर होगी काम करते हुए? मुझे ऐसे 10-15 मिनट हुए हैं, 15-20 मिनट हुए हैं ऐसे ही काम करते हुए। अभी किया या पहले? ये बहुत मुझे यानी कि 7-8 साल हो गए काम करते हुए। चाचा आप बताइएगा आपको कितनी देर? मुझे 45 साल हो गए, 40 साल 45 साल। ये गोश वोश करते हुए? जी जी जानवर बनाते हैं ज़िबा खाने के अंदर, मुझे 40-45 साल हो गए। दिखाइए जी जरा जानवर दिखाएं जरा। ये वो है जानवर जो थोड़ी देर पहले मरियम नवाज आई
और अभी मरियम नवाज चली गई है वहाँ पे सरायकी चौक। ये ऊँट का सदका दिया गया है, ये वो ऊँट है। इनका कहना है कि हमें बड़ी महारत है कि हम ऊँट का गोश्त करने में, तो ये मसरूफ़ हैं गोश्त करने में। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजर वो उस ऊँट के जो कुछ देर पहले ज़िबा किया गया। कुछ देर पहले इन्होंने ऊँट को थोड़ी देर पहले देखे हैं, आपने ऊँट को ज़िबा किया, ये उसकी खाल उतार रहे हैं। ये इनका कहना है कि हम बहुत महारत रखते हैं हम यहाँ पे। सर मरियम आई, कैसा लगा आपको, थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा लगा है, मरियम नवाज आई है तो हम सिर सदका दे रहे हैं। चन्नड़ हाउस पे आई है, आप रैली पे जा रही है तो हमें, हमारी दिल में खुशी हुई है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रश था। और उसके बावजूद असल बात तो ये है ना कि महंगाई की तरफ से आई है ये आटा और चीनी और घी, ये जो हुकूमत जो कर रही है इसकी जद्दोजहद में वो बीबी रवाना है इस वक्त। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी देखा होगा दक्कम पेल बहुत हुई, लोग जख्मी हुए, मौलाना का एक सिक्योरिटी गार्ड उसका पांव जख्मी हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे कि लोग थोड़ा सा वो सब्र का पैमाना क्यों रिप्लेस कर देते हैं, सब्र से क्यों बाहर निकल जाते हैं? नहीं, सब्र तो करना चाहिए, थोड़ा रास्ता रस ज्यादा था इस वजह से थोड़ी सी गलतियाँ मलतियाँ हो जाती हैं, और इस गलती की वजह से हमने माजरत भी मांगी है और मेरा ख्याल कहता है उन्होंने माफ कर दिया है, आवाम ने भी माफ कर दिया। Thank you.
बोल टीवी है पर दे देती हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा चला। नहीं नहीं नहीं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। जी बताएं क्या क्या पूछ रहे हैं। जो कल की रैलियां हमने आपके चेहरे पे बहुत स्माइल देखी कल, तो कितने खुश हैं आप कल की रैली से? देखें जब आपको आवाम का इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है, तो फिर इंसान में मजीद आजी भी आ जाती है, अल्लाह ताला का शुक्र भी करता है। और मैं बहावलपुर के आवाम का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने मिजाज, मैंने सुना है कि बहावलपुर का इतना सियासी मिजाज नहीं है और इस तरह वो रैलीज और उस तरह नहीं करते, लेकिन कल बहावलपुर ने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। कल 8-9 घंटे कंटिन्यूस जिस तरह बहावलपुर के आवाम ने मेरे साथ, वो पैदल भी चले, गाड़ियों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत से नवाजा, मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ उनकी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है, लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा इंशाल्लाह। इस्तीफे होंगे इंशाल्लाह। वापस जाने का मतलब था कि प्लीज अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देता तो आगे आपका, वो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 31 जनवरी जब आएगी उस, और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। शुक्रिया बेटा। तो फटाफट फटाफट टोपी लेकर आनी है फटाफट।